सलीबी और यहूदी हर दौर में इस्लाम की फौज और कौम के दरमियान मुनाफ़क़त पैदा करने की कोशिश करेंगे। जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं, इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। एक जासूस दुश्मन के पूरे लश्कर को शिकस्त दे सकता है और एक गद्दार अपनी पूरी कौम को शिकस्त की जिल्लत में डाल सकता है। इस्लाम के मुहाफिज शराब के मटकों में डूब गए और पासबानों ने खुद को घरों में कैद कर लिया और औरतें इनके पैरों की जंजीरें बन गई हैं। हकूमत का नशा दौलत और औरत अच्छे अच्छे इंसानों को अंधा कर देते हैं। हुक्मरान अपनी हकूमत की हिफाजत करता है और मुजाहिद अपने मुल्क पर कुर्बान होता है। सिपाहगरी इस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। हमारे जवाल का बाइस तख्त व ताज का नशा और जारो जवाहरात की मोहब्बत है। कहाँ वो वक्त था कि हम दुनिया पर छा गए थे और कहाँ हमारा वक्त है कि दुनिया हम पर छा गई है और हम आहरत को फरामोश किए बैठे हैं। जहाँ रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए वहाँ तीन चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज्जत, मर्द की गैरत और मुसलमान का खून। मुसलमानों की जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, जानते नहीं हो? सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने इन फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है।